नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्रोटीन से भरी हुई बहुत अच्छी सैलेड या चाट कह लीजिए उसे, वो बनाएंगे। तो बहुत सारी दालों का प्रोटीन है, पनीर है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनी है ये। तो आइए बनाते हैं इसे। तो ये देखिए, इसके लिए आपको इस तरह से स्प्राउट्स लेने हैं। चना है इसमें, मूंग है और मोठ है। आप थोड़ा थोड़ा सा ये तीनों ले लीजिए और रात भर इनको आप पानी में भिगो के रखिए या सिर्फ 5-6 घंटे भिगो दीजिए। उसके बाद इसे आपको पानी निकाल लेना है और इस तरह का देखिए, आप एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसमें इन स्प्राउट्स को डालिए और गांठ बांधकर आप वहीं नल पर टांग दीजिए सिंक के आसपास। और जब जब आप किचन में जाएं, बार बार उस पर पानी डालते रहिए ताकि उससे मॉइस्चर बना रहेगा। और 2 ही दिन में देखिए, इतने बढ़िया इतने बड़े स्प्राउट्स हमारे रेडी हो जाएंगे। ये बहुत ही हेल्दी स्प्राउट्स हैं, आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं और इसकी तरह तरह के चाट और स्नैक बना सकते हैं। तो आज हम जो स्नैक बनाएंगे, देखिए उसके लिए हमें इसे थोड़ा सा बॉईल करना है। आप सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे गर्म पानी में बॉईल कीजिए, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद इससे हम बहुत टेस्टी सैलेड बनाएंगे। आप कच्ची भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इन्हें बॉईल कर लिया है। तो इस तरह से हम 4-5 चम्मच स्प्राउट्स के लेंगे। इसमें देखिए, मैंने एक प्याज और एक हरी मिर्च डाली है बारीक काट कर। ये थोड़ा सा खीरा है, थोड़े से टमाटर हैं और ये बॉईल किए हुए आलू हैं। आप इसमें पनीर डाल दीजिए इस तरह से कसकर, बहुत ही टेस्टी लगेगी उससे। और इसके बाद देखिए, इसमें हम मसाले डालेंगे। तो ये थोड़ी सी काली मिर्च है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर है, थोड़ी सी लाल मिर्च है और नमक है। ये सब मसाले आप अपने टेस्ट से लें, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने धनिया और पुदीने की चटनी ली है, अगर आपके पास घर में है तो आप डालिए, नहीं आप काट कर डाल दीजिए धनिया। और थोड़ा सा हम नींबू डालेंगे टेंगे फ्लेवर के लिए। अब इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए कितनी तुरंत ये बहुत ही टेस्टी चाट रेडी है। आप सैलेड बोलिए इसको, चाट बोलिए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। थोड़ा बॉईल होने से इसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। आप नमक डाल के बॉईल करना हल्का सा। इसमें चाहें तो आप और भी सब्जियां डाल सकते हैं। तो देखिए, इसमें इतनी सारी सब्जियां हैं, दालें हैं, उनका प्रोटीन है, पनीर है। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चाट ये बनी है। आप बनाइए इसे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।